काम क्या बात है? ये वहां पेनो ने पेना बोलो पेना बोल रहा तो कैसे अमल ले जाते जो मोमिन रहते पक्का पहनते जो मुनाफिक रहते उन्होंने ये आप लोग सोच लो मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है है ना भाई कानून का अमल करना अपना फर्ज है कानून क्या बात है उसको अमल करना अपना फर्ज है डॉक्यूमेंट सही रहना यूनिफॉर्म पहनना पार्किंग कैसा पार्किंग करता है अब बताए ना बच्चा बोल का मांगा है आप लोग अभी भी जाके देखो मेरे जहां मैं जहां देखता हूं हम बोलते रहते बोलो तो हरकत करना वो करते रहते भाषा बोले कोई भी गिरा रोड में ऑटो बोलते वो गाड़ो वाई दिख जाता साइड में तो क्या गिरा बाहर जाते क्या ही नहीं पहुंचे ठीक है मैं आपको थोड़ा बाजू ले आ जाओ हर तरह नया चल रहा जिसका नसीब में जो लगे भाई वही मिलते हैं भाई आप वो तो भी कौन है बेटो गाना गाने में आपको वोट आना तो बिल्कुल आ जाओ कोई हम आपसे कह नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते बोलो इससे अपना दिल में मालूम से जाता है मगर पत्थर से बढ़ के एक ऑटो में आप रोड के बीच में ठहर गए तो जमीन दे दो हम तो दिल बात था फिर ये सत्य नहीं है ये सत्य ऐसे नहीं कहते सौ में से दस लोग मगर नाम विश्वारा सौ का हमारा पूरे डिपार्टमेंट में कोई वैसे ही आप लोकेशन पहले तो नहीं बोल रहा आपको हम यहाँ हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन का इलाका में स्कूल्स और कॉलेज शुरू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल का बच्चों को जो ले जा रहा है वो ऑटोज़ को और स्कूल्स का वैन चेकिंग कर चुके हैं अभी तक 800 करीब ऑटो जो है स्कूल का बच्चों को ज़्यादा जो परमिटेड है 6 बच्चों से बढ़कर जो ले जा रहा है वो लोग ऊपर केसेस कर चुके हैं आज ये मीटिंग रखकर साउथ जोन का ऑटो ड्राइवर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम सना गार्डन में लागू करें ये प्रोग्राम में वो लोगों को ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा अमल करना है और रोड पे पार्किंग के बारे में वो लोगों को सुनाया और रोड पे सिग्नल्स करने आजकल ज़्यादा हो रहा है साउथ जोन में सिग्नल तोड़कर जा रहा है उससे कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है इसलिए आज ऑटो ड्राइवर सबको इधर मीटिंग रखकर ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है वो बताया वो लोगों को और वो लोग भी इसको अमल करने के लिए वादा करें इंशाल्लाह आने वाला दिन में और ऑटो ड्राइवर्स के अवेयरनेस कैंप करके 0 एक्सीडेंट्स हुआ जैसा ये साउथ जोन में देखेंगे वो लोग भी वादा करें आज से वो लोग ट्रैफिक वायलेशंस नहीं करते और एक्सीडेंट्स होने का मौका नहीं देते वादा करें शुक्रिया बोले ना साहब